राजपूत महिलाओं द्वारा आक्रमणकारियों से अपनी अस्मत बचाने के लिए जौहर के कई उदाहरण भारतीय इतिहास में मिल जाते हैं, लेकिन मुस्लिम महिलाओं द्वारा जौहर की मिसाल विरले ही मिलती है। ये मिसाल पेश की मालवा की मुस्लिम महिलाओं ने, जिन्होंने बादशाह अकबर की सेना से अपनी इज्जत बचाने के लिए हिंदू महिलाओं के साथ अग्निकुंड में कूदकर अपनी जान दे दी। बादशाह अकबर की आंखों में मालवा का समृद्ध राज्य कई सालों से खटक रहा था। वहां की रानी दुर्गावती अकबर की अधीनता स्वीकार करने को राजी नहीं थी और अकबर इसे बर्दाश्त करने को तैयार नहीं था कि एक हिंदू महिला शासक उनकी हुक्म उदुली करे। मालवा पर आक्रमण के लिए अकबर ने अपने एक रिश्तेदार आसिफ खां और बाज बहादुर के नेतृत्व में एक सेना भेज दी। इस युद्ध में रानी दुर्गावती ने अकबर की सेना को करारी शिकस्त दी। खबर जब अकबर के कानों तक पहुंची तो वह चकित रह गया। सूबेदार आसिफ खान ने अकबर के कहने पर 10,000 घुड़सवार, सशस्त्र सेना और तोपखाने के साथ रानी पर दोबारा हमला बोल दिया। दुर्गावती के पास उस समय बहुत कम सैनिक थे। रानी उसी दिन अंतिम निर्णय कर लेना चाहती थी, अतः वह भागती हुई मुगल सेना का पीछा करते हुए वे दुर्गम क्षेत्र से बाहर निकल आई। अगले दिन 24 जून 1564 को मुगल सेना ने फिर हमला बोला। ज्यादा घायल होने पर रानी ने अंत समय निकट देख अपनी कटार स्वयं ही अपने सीने में भोंक कर आत्म बलिदान दे दिया। आसिफ खान रानी की मृत्यु से बौखला गया था। वह उन्हें अकबर के दरबार में पेश करना चाहता था। उसने राजधानी चौरागढ़ पर आक्रमण कर दिया। रानी के पुत्र राजा वीर नारायण ने वीरता पूर्वक युद्ध किया और युद्ध में शहीद हो गया। राजा के मरते ही आसिफ खान हैवानियत पर उतर आया। उसने महिलाओं पर अत्याचार शुरू कर दिया और उनकी अस्मतें लूटनी शुरू कर दी। उसने हिंदू मुसलमान किसी को भी नहीं बख्शा और जमकर कत्लेआम मचाया। अंत समय देखकर महिलाओं ने जौहर का निर्णय ले लिया और हिंदू महिलाओं के साथ मुस्लिम महिलाओं ने भी जौहर के अग्निकुंड में छलांग लगा दी। जब तक आसिफ खान राजा के रनिवास पहुंचता, तब तक हजारों महिलाओं की चिता ठंडी पड़ चुकी थी।